अस्सलामु अलैकुम क्लास, हाउ आर यू? यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। आई सर कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव रिएक्टेंट यूज़ हो रहा होता है। उस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को, ज़ाहरी बात है, हमने अगर बहुत एक्सपेंसिव रिएक्टेंट लिया है तो हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, ठीक है, वो सारा का सारा क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, क्योंकि अगर वो सारा कंज्यूम नहीं होता तो वो वेस्ट हो जाएगा ना हमारे पास। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट वेस्ट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट के साथ जो चीज़ रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर वो चीप है, जैसे वो कोई गैस है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस में ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, जब एक चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो जो आपका कम रिएक्टेंट है वो सारा का सारा उस एक्सेस वाले रिएक्टेंट के साथ कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना देगा। तो आपके पास जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट था वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। सेकेंडली, कभी कभी हम क्या करते हैं, एक चीज़ को, एक रिएक्टेंट को लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जो बर्निंग का प्रोसेस है उसमें हम ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन गैस तो हमारे पास अवेलेबल है ना, तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बर्निंग का प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो एक ऑक्सीजन हमने एक्सेस में ले ली, अब इस केस में ऑक्सीजन सारी कंज्यूम तो नहीं होगी, लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसे कहते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एंड ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13, जिससे हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से फाइंड करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 13 सेज, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग टूगेदर टू सॉलिड्स, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। लुक एट दिस रिएक्शन, दिस वन। आपको क्या नजर आ रहा है कि अमोनिया कहाँ पे प्रेजेंट है? अमोनिया इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने ग्राम्स बने हैं। हमें गिवन क्या है, 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, यानी कि ये जो दो सॉलिड्स हैं इन दोनों की क्वांटिटी 100-100 ग्राम्स है। हमें कहा कि हम अमोनिया के नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी अमोनिया का मास बताएं जो कि प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में। ऑल्सो हमने कैलकुलेट करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये तो हमने अमोनिया का कर लिया, हमने बताना है इनमें से एक्सेस वाला कौन सा रिएजेंट है और एक्सेस रिएजेंट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। सो एक हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है और एक हमने एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, हमारे पास गिवन था मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें उसने कहा कि दोनों 100-100 ग्राम्स प्रेजेंट है, दिस वन। ठीक है, हमने उन दोनों के मोलर मासेस फाइंड कर लेने हैं, हमें मोलर मास फाइंड करने का तरीका पता है। वी विल ऐड द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो हमारे पास आंसर आएगा 53.5 ग्राम पर मोल। देन वी विल कैलकुलेट द मोल्स, ये मास नहीं है यहाँ पे, मोल्स है, ठीक है, दिस वन, ये मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स मास ओवर मोलर मास से डिवाइड किया तो 1.87 मोल्स आ गए। इसी तरह से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट किए, हमारे पास क्या आया आंसर, 1.35। अब हमने जब अमोनिया के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों रिएक्टेंट्स को अमोनिया के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे दो रिएक्टेंट थे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम बारी बारी अपने दोनों रिएक्टेंट्स को इंडिविजुअली अमोनिया के साथ कंपेयर करके अमोनिया के मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, हमारे पास कितने मोल्स, हमने अब पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके कितने मोल्स हैं। दिस इज द इक्वेशन जिसमें आपको नजर आ रहा है, दो मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के और दो ही मोल्स हैं अमोनिया के। नाउ कम बैक टू दिस, हमने यहाँ पे मोल्स लिखने हैं, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स, टू मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड टू मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर इसका एक मोल हो तो इसका भी कितना होगा, एक मोल, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने अमोनियम क्लोराइड के यहाँ मोल्स कैलकुलेट किए थे 1.87, तो अगर अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं तो डेफिनेटली अमोनिया के भी कितने होंगे, 1.87, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के मोल्स क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। अगेन वी विल कंपेयर द मोल्स, अब ये हमारे पास अब अमोनिया के मोल्स आ गए बाय कंपेयरिंग इट विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक रिएक्टेंट के साथ, अब दूसरे रिएक्टेंट के साथ हम करते हैं।
दूसरा रखना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक मोल था अमोनिया के, 2 मोल्स थे। अगर इसके 1.35 मोल्स होंगे जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, तो इसके कितने होंगे, 2 से हम 1.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 2.70। अच्छा, अब आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रहा है, अमोनिया हमारा प्रोडक्ट था, NH4Cl ने हमें दिए 1.87 मोल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने दिए हमें 2.70 मोल्स। इसका मतलब है जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमें कम प्रोडक्ट दे रहा है, सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड। तो अब हमने क्या करना है, जो एक लिमिटिंग हो गया तो दूसरा क्या होगा, एक्सेस। तो ये वाला क्या है, एक्सेस, और ये वाला क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने उसका मास निकालना है, हमें मोल्स तो पता चल गए, उसने क्या कहा था हमें कि अमोनिया के जो मोल्स है वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। अब ये अमोनिया के मोल्स हमने जो यूज करने हैं वो ये वाले मोल्स होंगे, 1.87। हमारे पास 2 मोल्स आए हैं ना, 1.87 और 2.70, लेकिन हमने वो वाले मोल्स यूज करने हैं जो कम है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने दिए हैं हमें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड था, उसने अमोनिया के 1.87 मोल्स दिए, तो ये हम यूज करके अमोनिया का मास निकाल लेंगे। इन मोल्स को हम कंपेयर करेंगे अमोनिया के मोलर मास के साथ और आंसर आ जाएगा 31.79 ग्राम्स, जो कि क्या है, मास ऑफ अमोनिया। सो ए वाला जो हमारा पोर्शन था वो सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द बी पोर्शन। बी पोर्शन में ये कहा गया था कि आप एक्सेस रिएजेंट फाइंड करें। अब एक्सेस रिएजेंट हमें पता है कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने एक्सेस अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने 100 ग्राम्स लिया था अमोनिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन 100 ग्राम्स मैं कह रही हूँ कि बर्न नहीं हुआ क्योंकि वो एक्सेस में था, ज़्यादा था, तो उसकी कितनी अमाउंट रह गई है, कितना बर्न हुआ और कितना रह गया, वो मैंने फाइंड करना है। तो जो चीज़ मैंने फाइंड करनी होती है उसको हम राइट साइड पर लिखते हैं। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को राइट साइड पर लिखा और हमने इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ कंपेयर कर लिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें ऊपर गिवन थी उसमें अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल। अगर हमने 1 मोल फाइंड करने हैं अमोनियम क्लोराइड के, तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 के लिए आंसर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि 1.87 के लिए निकालना, दीज वर द नंबर ऑफ मोल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे जो यूज हुए। आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट तो सारा यूज हो जाता है, इसका मतलब है ये वाले जो मोल्स हैं ये सारे के सारे यूज हो चुके हैं। तो ये मोल्स हमने निकाले थे जो अमोनियम क्लोराइड के यूज हुए हैं, इसके साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 0.935। तो अब कितने मोल्स यूज हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 0.935, लेकिन हमने लिए कितने थे नंबर ऑफ मोल्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए थे 1.35। हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं वो है 0.935। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बच गए, वो कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके, 1.35 माइनस 0.935 इज इक्वल टू 0.415। सो दीज येलो नंबर ऑफ मोल्स आर बेसिकली लेफ्ट बिहाइंड, ये यूज नहीं हुए, सिर्फ यूज कौन से हुए हैं, 0.935, लेकिन स्टार्ट में हमने लिए भी कितने थे, 1.35। अब हमने मोल्स तो फाइंड कर लिया, अब हमने मास फाइंड कर लेना है। मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम्स। ठीक है, हमने रिएक्शन के स्टार्ट में लिए थे 100 ग्राम्स, लेकिन 100 ग्राम्स में से जो 30 ग्राम्स है वो बच गए, यानी वो यूज नहीं हुए। तो कितने यूज हुए, 100 माइनस 30 करेंगे तो 69.3 ग्राम्स यूज हुए, 30.71 ग्राम्स यूज नहीं हुए, दे वर इन द एक्सेस। अब आपको बात समझ आई है कि कैसे करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज यील्ड। यील्ड का क्या मतलब है, यील्ड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज अचीव्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं यील्ड। अब यील्ड दो तरह की हो सकती है, एक यील्ड तो वो होगी जो हमने रियल में रिएक्शन परफॉर्म किया और हमारे पास प्रोडक्ट आया, वो यील्ड थी हमारी, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। यानी कि हमने लैब में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी कोई रिएक्शन परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट में हमें कोई प्रोडक्ट मिला, दैट इज एक्चुअल यील्ड, क्योंकि हमने एक्चुअली रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट निकाला था। सो वो क्या हो गई, एक्चुअल यील्ड। एक और यील्ड हो सकती है जो हम, जिस तरह हमने ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व की थी पेपर के ऊपर,
खुद कैलकुलेट किया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके। तो इस तरह की जो यील्ड्स होती हैं जो हम खुद ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हम नाम देते हैं थ्रेटिकल यील्ड। ठीक है, सो दो यील्ड्स हो गई, एक्चुअल यील्ड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन एंड थ्रेटिकल यील्ड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्रेटिकल यील्ड। यानी कि हमने ऑन पेपर जो यील्ड कैलकुलेट की है, फॉर एग्जाम्पल वो आती है 100 ग्राम्स, लेकिन जब हम वही रिएक्शन जो हमने ऑन पेपर निकाली यील्ड 100 ग्राम्स, वो रिएक्शन जब हम रियल में परफॉर्म करते हैं तो हमारी यील्ड 100 ग्राम्स नहीं आती लेकिन कम आती है। कम क्यों आती है, उसकी तीन रीजंस हो सकती हैं। जब हम एक्चुअल में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, यानी कि जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वर्कर, क्या पता उसको एक्सपीरियंस ही ना हो उस रिएक्शन को हैंडल करने का, उस रिएक्शन के साथ डील करने का। तो उसको समझ नहीं आ रही कितना रिएक्टेंट लेना था, कितना प्रोडक्ट लेना था, कितना टाइम लगाना था, क्या हमने उसमें कैटलिस्ट यूज करना था। सो ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, इसलिए हमारे पास जो यील्ड है वो कम हो गई। ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड होता, उसको फुली अंडरस्टैंडिंग होती, तो शायद वो अच्छी तरह परफॉर्म कर लेता। तो एक रीजन ये हो सकती है यील्ड कम होने की कि वर्कर को एक्सपीरियंस नहीं था। सेकेंड रीजन इज लॉस ड्यूरिंग सर्टन प्रोसेसेस। हम जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस क्या हैं, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इन प्रोसेसेस में थोड़ी थोड़ी यील्ड शायद कम हो जाए या लॉस हो जाए। हम क्योंकि हमने जब फिल्ट्रेशन करनी है तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो क्या पता हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा फिल्टर पेपर के साथ अटैच हो गया हो, तो वहां पे यील्ड क्या हो जाए, लॉस हो जाए। थर्ड वन इज साइड रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि जो दो रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं वो एक ही रिएक्शन परफॉर्म करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इम्प्योरिटी शायद प्रेजेंट हो और आपके साइड रिएक्शन शुरू हो जाए। साइड रिएक्शन मतलब उस रिएक्शन के अलावा कोई रिएक्शन शुरू हो जाए, तो कुछ यील्ड या कुछ रिएक्टेंट आपका वहां लूज हो जाए, इसलिए आपको आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट ना मिल सके। तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड क्या होती है, मोस्टली कम हो जाती है थ्रेटिकल यील्ड से। अब आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं हम यूजली रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए, और वो क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्रेटिकल यील्ड इंटू 100। एक्चुअल यील्ड यानी कि वो यील्ड जो हमने रिएक्शन परफॉर्म करके हासिल की, थ्रेटिकल इज द वन विच वी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से तो हमें मिल जाएगी परसेंटेज यील्ड। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल 14, विच सेज व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड, लाइमस्टोन CaCO3 इज रोस्टेड, क्विक लाइम, रोस्टेड मतलब आप इसको हीट कर रहे हो, क्विक लाइम CaO इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, द यील्ड ऑफ CaO इज 2.5 kg व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। अब हमें एक्चुअल यील्ड दी हुई है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द परसेंटेज यील्ड, थ्रेटिकल यील्ड हमें एक्चुअल दी हुई है, हमने थ्रेटिकल कैलकुलेट करनी है, तो हम फॉर्मूला पुट करके हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है, CaCO3 गिव्स अ CaO प्लस CO2, हमारा कंसर्न किसके साथ है, CaO के साथ। हमने कितनी लाइमस्टोन बर्न की, 4.5 kg, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4500 ग्राम्स। जो क्विक लाइम हमारे पास प्रोड्यूस हुई CaO वो थी 2.5 kg, यहाँ पे गिवन है 2.5 kg को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000, तो हमारा आंसर आया 2500 ग्राम्स। मोलर मास CaCO3 का होता है 100 ग्राम, हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो इन सब से हमने कैलकुलेट किया 100 ग्राम। इसी तरह मोलर मास ऑफ CaO कितना हो गया, 56 ग्राम। तो आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है यहाँ पे 1 मोल है ना, तो 1 मोल का कितना मास हुआ 100 ग्राम, और इसका कितना मास हुआ 56 ग्राम। सो 100 ग्राम CaCO3 कितने ग्राम दे रहे हैं, 56 ग्राम्स। 1 ग्राम होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 आपके 56 से डिवाइड हो जाएगी, दिस 100 विल बी डिवाइडेड बाय 56, तो हमारे पास 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे पास रोस्ट कितने मोल्स हुए थे, एक्चुअली देवर 4500 ग्राम्स, तो 4500 ग्राम्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू के साथ, तो आंसर आएगा 2520 ग्राम्स। सो दिस इज द थ्रेटिकल यील्ड ऑफ CaO विच इज 2520 ग्राम्स, एक्चुअल यील्ड इज गिवन इन द रिएक्शन, हमने दोनों को डिवाइड करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा
99.2%. So this is the percentage of CaO or percentage yield of CaO produced. So we are done with first chapter. Inshallah, hum kal se exam numerical start karenge and then we'll proceed to our next chapter. Till then, Allah Hafiz class.